फायर सीजन शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं सामने आना शुरू हो गई हैं। इसी के तहत गुरुवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत रंगण में आशा देवी के स्लेट पोस्ट मकान में एकाएक आग लग गई। दोपहर करीब 2 बजे घटी इस घटना में 3 कमरों का स्लेट पोस्ट मकान व नकदी जेवरात सब जलकर राख हो गए। आगजनी की घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग सुजानपुर और हमीरपुर की गाड़ियों ने पहुंचकर राहत व बचाव कार्य में तेजी दिखाई। आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों के बीच बचाव में तेजी दिखाते हुए आग को फैलने से रोका गया, लेकिन आग इतनी भयंकर तरीके से लग गई थी कि पीड़ित का पूरा मकान जिसमें 3 कमरे शामिल हैं आग की भेंट चढ़ गए। आगजनी की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार के पास अब सर से छत गायब हो चुकी है। आगजनी की इस घटना की सूचना मिलते ही सुजानपुर प्रशासन की ओर से उपमंडल अधिकारी ने पंचायत में पहुंचकर घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवार को फौरी राहत 5,000 की राशि भी उपलब्ध करवाई। उपमंडल अधिकारी शिल्पी बेकटा ने बताया कि आग किन्हीं कारणों से लगी है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रथम दृष्टि में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी आगजनी की घटना को लेकर जांच करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को राहत राशि दे दी गई है, इसके साथ साथ उनका क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इसकी रिपोर्ट बनाकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।